दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त पर एक बार फिर से। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से लगभग 23 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा फिल्म यानी कि कुड़ी हरियाणा वल्दी फिल्म के शुरुआती 23 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और बात करेंगे कि इस फिल्म ने जो है अभी तक शुरुआती 23 दिनों के अंदर जो है कितने रुपये की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुड़ी हरियाणा वल्दी जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं एमी विर्क और उनके साथ देखने को मिल रही हैं सोनम बाजवा। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो लगभग 6 करोड़ रुपए का जो है बताया गया है। और आपको बता दूं कि इस फिल्म को जो है अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 23 दिन का जो समय है वो पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने शुरुआती 22 दिनों के अंदर जो है बॉक्स ऑफिस पर टोटल लगभग 6,45,00,000 रुपए का जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन, वहीं लगभग 7,40,00,000 रुपए का जो है टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है बॉक्स ऑफिस पर से जो है कर चुकी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अब इस फिल्म के पास जो शोज है वो काफी कम बचे हुए हैं जिसके चलते यह फिल्म जो है आज अपने 23वें दिन पर जो है बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा जो है यहां पर जो है लो कलेक्शन जो है कर रही है। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि अभी जो यहां पर जो है जो डाटा सामने निकल कर आया है और जो इस फिल्म के शोज ट्रैक किए गए हैं उसके मुताबिक जो है यह फिल्म आज अपने 23वें दिन बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल लगभग 4,00,000 रुपए का जो है टोटल ग्रॉस कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर से जो है कर रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर से जो है एक एवरेज फिल्म जो है साबित रही है। हालांकि दोस्तों आप बताओगे अगर आपने कुड़ी हरियाणा वल्दी फिल्म देखी तो आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप आगे भी हमारे चैनल पर जो है इसी तरह से लेटेस्ट मूवीज़ के कलेक्शन जानना चाहते हो तो हमारा और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज़ भक्त को भी जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।